गतिमान है। कोरोना के कारण कुंभ अब सीमित हो गया है, जिसके चलते लगातार सरकार को उपेक्षा भी झेलनी पड़ रही है। वहीं गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा लगातार पादप कुंभ के माध्यम से लोगों को औषधीय पौधों के लिए जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। अब गुरुकुल द्वारा काव्य सम्मेलन भी किया गया, जिसमें देश विदेश के कवियों ने प्रतिभाग किया। आज का कार्यक्रम जो था बहुत ही महान था। इसमें गंगा जी की आरती उतारी गई, कुंभ की चर्चा की गई, माँ के प्यार की चर्चा की गई, मातृभाषा की चर्चा की गई, इसको संसार की जो पीड़ाएं हैं उससे जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो उसको हमने यहाँ पे अच्छे से मनाया। आप देखें कि यहाँ कनाडा से लेके जैसे ना सात समंदर पार से लोग जुड़े, कनाडा हो, US हो, UK हो, और देश के बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो सोलन शिमला रहा हो, उत्तराखंड से कई जगह से लोग, नोएडा NCR रीजन से, तो मैं ना केवल कभी बल्कि बहुत श्रोतागण, चाहे वो मोहाली रहा हो, उन्होंने जुड़े और अपने विचार भी रखे, क्योंकि मातृभाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ जो औषधीय पादप महाकुंभ संगोष्ठी काव्य का आयोजन हुआ, इसमें विभिन्न विषयों पर कवियों ने अपने विचार रखे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रचनाएं यहाँ पर संपन्न कराई गईं, और ये कोरोना की वजह से था कि नहीं तो ये आयोजन और भी भव्य और विशाल हो सकता था, बड़ा हो सकता था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मातृभाषा पर किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है, जहाँ तक सहजता के साथ रचनाकारों ने, कवियों ने, जो ऑनलाइन से भी रहे, ऑफलाइन से भी जुड़े रहे, उन सब ने उन बिंदुओं को छुआ है जो संवेदना की पराकाष्ठा पर सर्वोपरि रही।